1/2 चाय के लिए। ये 1/2 वाला, ये मोहब्बतों की बातें हैं। यहाँ अंग्रेज थे, चाय इन्होंने मतलब एक बना बना करके खूब फ्री में बांटी। इसके बाद में ऐसे नशीले हो गए, चाय के बिना वो रह ही नहीं सकते। अब जो है हम आदत से मजबूर हो गए, जहाँ से आँख खुलती है बिस्तर से और सीधे बाहर। ये कप के ऊपर गिलास इसलिए रखा जाता है कि वो एक में दो आदमी पीते हैं तो कप दिया जाता है कि आधी आधी कर लो इसके अंदर। आपस में हम लोग शेयर कर लेते हैं ना, एक चाय 12 रुपए की होती है, दो बंदे आराम से पी लेते हैं हम लोग आधी आधी करके। इसका यहाँ का रिवाज ऐसा है, अब तीन आदमी एक चाय मंगा ली, तीन आदमियों ने पी ली चाय, इस कप में ले ली, इसी आधी कप में ली, इसे ले ली, गिलास में इसने ले ली, तो वो 10 रुपए के अंदर 12 रुपए में काम हो गया। गरीब इलाका है, कोई वो मालदार इलाका तो है नहीं, अगर तीन आदमियों ने पी लिया तो 4-4 रुपए का हो गया। इस वजह से ये जो है ना, हम बड़े गिलास के अंदर चाय देते हैं और एक कप नीचे लगा देते हैं उसके, और ताकि दो तीन लोग जो है चाय पी लें आराम से। ग्रीन चिल्ली चाय तो मशहूर चाय है, आप जितनी जगह भी जाओगे यहाँ जैसी चाय का ना तो मज़ा मिलेगा ना देगा। मतलब इस इलाके में जो चाय है सबसे अच्छी वो माली चाय वालों की है। एक गन्ने के रस वाले के बराबर से एक इस्लाम चाय वाला, और एक सामने अजीदों के चबूतरे पे से गिलास लेकर बाकी वही सिस्टम रखा है जो पहले था हमारा। और इसके अंदर हम बिल्कुल चाय जो बनाते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, दूध अच्छा लगाते हैं, चीनी पत्ती अच्छी लगाते हैं और अच्छी वैरायटी की चाय देते हैं। ज़्यादा दिन से चाय बना रहे हैं उस्ताद उस्ताद के। भाई ये तो दिल्ली वालों का मोहब्बत है, यहाँ पे चार आदमी आए दो बैठे हुए चल रहे चाय लिया है, लो जी आधी आप पियो आधी हम पियो। लोग बेमकसद नहीं पीते, इसके पीछे मकसद है। बेकारी, नाकाम करना, काम ना होना, तो वो चाय को चाय की डिमांड करते हैं वो फिर। और इंसान इसके अंदर प्यार ना समझे एक दूसरे को, बस समझ लीजिए पैसा भी ज़ाया है, सेहत भी ज़ाया करते हैं यहाँ लोग।